हेलो दोस्तों, जागो शांति रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। भिंडी सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन आज मैं और मज़ेदार और आसान तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। और यहाँ पर अब हम एक भिंडी लेंगे और भिंडी के दोनों किनारे को कट कर देंगे और बीच से चीरा लगाएंगे। और इस तरीके से भिंडियों को देख लीजिए, आप छोटा या बड़ा भिंडी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी भिंडियों को कट कर तैयार करेंगे और बाकी सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर अब हम एक बाउल लेंगे और भिंडी के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, आप अपना स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन का पेस्ट डालने से टेस्ट और दोगुना बढ़ जाता है। अब भिंडी के लिए मसाले बनकर के तैयार है। और यहाँ पर अब हम एक भिंडी लेंगे और इसको फैलाते हुए इस तरीके से इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। भिंडी के अंदर मसाला को अच्छे से दबा दीजिए और भिंडी को हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि मसाला बाहर ना निकले और भिंडी के अंदर मसाले अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम इन सभी भिंडी को भर करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसी तरीके से सारी भिंडियों को भर करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने पहले से कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा था और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, साथ ही मसाला भरा हुआ भिंडी डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक लगातार चलाएंगे। 5 मिनट तक इसे कवर करके कुक करेंगे। इससे क्या होगा कि कम समय में भिंडी जल्दी पक कर के तैयार हो जाएगी। 2 मिनट बाद हम भिंडी को एक तरफ से चला देंगे। 2 मिनट बाद हम कवर को हटाएंगे और दूसरी तरफ भिंडी को पलट देंगे। और ये देखिए, एक तरफ से भिंडी अच्छे से पक गई है। और 5 मिनट बाद हम भिंडी को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी अच्छे से पक चुकी है। और 2 मिनट और हम चला करके पका लेंगे। 2 मिनट बाद ये भिंडी बन करके तैयार है। दोस्तों, एक बार हमारे तरीके से भरवा भिंडी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।